दोस्तों हमारे पास सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट बैठी हुई हैं जिनका उम्र है करीब 35 साल और उनको डायबिटीज़ पिछले कुछ सालों से था। ये 2017 दिसंबर मेरे पास आई थी, उस समय उनका वेट था 89 किलो और शुगर था 417। फिर उनको हमने ट्रीटमेंट कुछ दवा लिखी, साथ में एक इंजेक्शन लिखा डुलाग्लोटाइड 1 CV। तो इस इंजेक्शन से उनका क्या हुआ कि पिछले अराउंड 1.5 साल में, एक साल 3 महीने में उनका वेट घट के 89 से वेट घट के आ गया इनका 60-65 किलो और शुगर भी काफ़ी नॉर्मल आ गया है। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे डायबिटीज़ के मरीजों को, जिसका वेट ज़्यादा है, किन किन दवाओं से वेट ड्रास्टिक कम होता है। था तो क्या होता है कि जो दवाई देखिए क्या दो दवाई होती है जो कि बहुत तेज़ी से वेट कम करती हैं। पहला होता है एक इंजेक्शन आता है डुलाग्लूटाइड, हफ्ते में एक बार लगता है। ये बेसिकली शुगर कम का इंजेक्शन है। ये बॉडी में जा कर के पैनक्रियाज पे, जो हमारे पेट में जहाँ इंसुलिन बनता है वहाँ जाकर काम करता है, वहाँ से इंसुलिन बनना बढ़ाता है, प्लस ये शुगर लो नहीं करता है, साथ साथ ये पेट के अंदर भूख कम करता है, ब्रेन के अंदर काम करके वहाँ पे फीलिंग ऑफ सेटाइटी रखी, मरीज को लगता है पेट भरा हुआ है और खाने का मन कम करता है। दूसरे को और गोली को दी थी मैंने SGLT2 इनहिबिटर, जो आता है डेपाग्लिफ्लोजिन आता है, एम्पाग्लिफ्लोजिन आता है एंड इसके बाद कैनाग्लिफ्लोजिन आता है। ये टैबलेट क्या करती है, ब्लड शुगर को यूरिन से बाहर निकालती है, जिससे आपका वेट कम होता है प्लस शुगर भी कम होता है। आप सब जान लो ये दोनों दवाएं शुगर लो नहीं करती हैं, सेफ हैं, प्लस ये हार्ट को किडनी को बचाती हैं। पर एक ही नुकसान होता है, ये कॉस्टली होती हैं। डुलाग्लूटाइड जो इंजेक्शन आता है 1 वीक, हफ्ते एक बार लगता है, आप दिखाते हो, ये ऐसा इंजेक्शन आता है, ये ऐसा इंजेक्शन आता है। इसमें आपको क्या करना होगा कि ये इसको लोड करके, ऐसे लोड कर दिया आपने, ये डेमो पेन है, इसको आप जहाँ भी लगाना हो यहाँ ऐसे किया आपने और इसको आपने दबा दिया तो अपने आप लग जाएगा। ये हफ्ते एक बार लगाना होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी गोली होती है, एक गोली डेली नाश्ते से पहले खाई जाती है। इन गोलियों से भूख घटती है, वेट घटता है, शुगर कंट्रोल होता है और जो लोग अगर ओवरवेट लोग, मोटे लोग हैं, अगर लेंगे आप तो चांसेस मोर देन 50% है कि आप डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। बट हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा अलॉन्ग विद मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप डायबिटीज क्योर। तो अब इनका डायबिटीज़ ख़त्म हो गया, इनका HbA1c अब 4.4। तो उनके मुँह से खुद सुनते कि क्या फ़ायदा हुआ उनको। तो मैडम लीजिए, इसमें बोलिएगा पीछे, यस इसमें आवाज आएगी। पूरा बताइए क्या क्या हुआ था। मैं लास्ट डॉक्टर साहब के पास दिसंबर 2017 में आई थी, तब मेरा वेट 89 था और शुगर लेवल मेरा 417 आता था। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अब मेरा वेट 65 लास्ट आता है, उससे कम भी 64-63 तक आता है और शुगर लेवल मेरा नॉर्मल में ही आता है, जिसमें मैंने अभी पूरा ब्लड चेकअप अपना टेस्ट कराया है तो शुगर मेरा 3 मंथ्स वाला 4.4 आया है, जो नॉर्मल लेवल में है। और मैं वैसे भी मैं रूटीन में शुगर चेक करती हूँ तो वो नॉर्मल रेंज में ही आता है, PPB और फास्टिंग। अच्छा, आपके परिवार में शुगर है किसी को? हाँ, मेरे पेरेंट्स को है, था। अच्छा, ठीक है। आपने दवा के साथ साथ कुछ और भी लाइफस्टाइल चेंज किया आपने, कुछ अपने आप में कुछ और भी किया? नहीं, वही जो आप डॉक्टर ने मुझे बताया था, वॉकिंग करना और ठीक है। तो अब देखिए, आपने वेट घटा लिया है करीब 24 किलो। जैसा आपने, आप सबने मेरा पिछला वीडियो सुना होगा, कई स्टडी आ रखी है कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ 10 किलो वेट कम कर ले तो चांसेस हैं कि उसका डायबिटीज़ क्योर हो जाए कम से 80%। 15% वेट घटा ले तो 90%, 20% घटा ले तो 99%। तो इस हिसाब से आपका डायबिटीज़ ख़त्म हो गया है और अब के बाद आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपकी दवा सब बंद करूंगा मैं, पर क्या सलाह दूंगा आपको कि रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करें आप, कम से कम 45 मिनट डेली। उस एक्सरसाइज में कोशिश करें कि थोड़ा ब्रिस्क वॉक हो, सीढ़ी चढ़ना हो,
या थोड़ा तो जॉगिंग हो, थोड़ा जिम जा से जिम जाएं, तो डेली रेगुलर 45 मिनट एक्सरसाइज करें, साथ में डाइट प्रॉपर लें। आपको क्या है कि अब आपको डाइट मेंटेन करना है, करीब 1400 कैलोरी पर डे के हिसाब से मेंटेन करना है, जिसमें एक डेढ़ रोटी सुबह नाश्ते में, एक डेढ़ रोटी दोपहर लंच में, एक डेढ़ रोटी रात खाने में, साथ में कम से कम आधा लीटर डबल टोन दूध, प्रोटीन की मात्रा। अंडे खाती हैं आप? कोई बात नहीं, तो प्रोटीन ले, मतलब कि स्प्राउट हो गया है, न्यूट्रिला हो गया है, सोयाबीन चाप हो गया है, इसको बढ़ाएं। इसका प्रोटीन पाउडर भी ले सकती हैं आप, फ्रूट भी ले सकती हैं। गुड फैट में आप उसके 30 बादाम, काजू या मूंगफली दाने ले सकती हैं, या 15-20 करीब अखरोट ले सकती हैं। तो डाइट में खूब सारा सलाद और खूब सारी हरी सब्जी ये करें, और रेगुलर हफ्ते के बाद शुगर चेक करें। खाली पेट अगर 110 से कम आ रहा और खाने के बाद 140-150 कम आ रहा, तो आप दवाई जरूरत नहीं है। पर ध्यान रखेंगी, अगर आप कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल गड़बड़ाएंगी, अगर वेट वापस बढ़ेगा तो शुगर फिर से आ सकता है। जैसा आप सब जानते हैं कि वेट कम करना आसान है, मेंटेन भी कुछ करना पड़ेगा आपको, और आप जहाँ भी कोई गड़बड़ कर दोगे तो वेट फिर से वापस आ जाएगा। आपके परिवार कोई मोटा है क्या? कोई मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड मतलब नहीं है, उधर मम्मी पापा भाई बहन कोई? भाई बहन मतलब दो सिस्टर है मेरी, एक ब्रदर है, तो छोटी वाली सिस्टर और ब्रदर। तो इसका आपके खानदान में फैट टेंडेंसी है, मोटा होने की टेंडेंसी है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? कुछ क्वेश्चन मन में आपके? नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छा अचीव किया है, जैसा आप अचीव करते हैं नॉर्मली बहुत कम मरीज अच्छा करते हैं। हम तो सब चाहते हैं कि हमारे मरीज जो वेट ज़्यादा वेट कम करें, बट मोर देन 50% मरीज अपना वेट कम नहीं कर पाते हैं। तो आपने स्टिक करके इसको कम किया, बड़ी खुशी की बात है। अब आपको दवा बंद कर रहा हूँ मैं आपको। तो जैसा आप सबने सुना कि भाई साहब अगर आप लग के करोगे तो संभव है। वेट कम कर सिंपल एक फंडा है, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम लें, जैसे चावल, रोटी, चीनी, शहद, गुड़ कम लें। प्रोटीन ज़्यादा खाएं, स्प्राउट, दाल, जो अंडे खाते अंडे खाएं, चिकन पीस खाएं, फिश का स्किन हटा के फिश खाएं, नॉन फैटी नॉनवेज भी खाते हैं, दाल खूब खाएं। दूध हमेशा स्किम मिल्क या डबल टोन दूध लें, चीनी कभी ना डालें, जितना हो सके कम से कम। वैसे 2-3 चम्मच ले सकते हैं बट अवॉइड करें, वेट ज़्यादा है तो। आपको थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, प्लस खाने में खूब सारा सलाद, खूब सारा हरी सब्जी खूब खाएं। बाकी एक और चीज़ बताऊँगा, कुछ खाने फ्री फूड होते हैं, चाहे जितना जब खा सकती हैं, जैसे कि आप हरी सलाद है, खीरा, ककड़ी, मूली, जितने मर्जी खा सकती हैं, सलाद पत्ती है, ब्रोकली है, हरी सब्जियाँ जितनी मर्जी खा सकती हैं, डाइट कोक, डाइट पेप्सी खूब ले सकती हैं। इसके बाद ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू टी खूब सारे ले, जब चाय ले सकती हैं, शुगर फ्री टैबलेट डाल के कुछ भी ले सकती हैं, जिससे जब भूख लगे आप घर में आप प्लेट में सलाद तैयार रखिए, घर में फ्रिज रखा रहेगा, जब भी भूख लगे खा सकती हैं, जिस तरह मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी तो भूख देखो मारना पड़ता है, आप एक बार भूख मार दोगे तो धीरे भूख लड़ना कम हो जाएगी। आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कैसे डायबिटीज क्योर किया जाता है वजन कम करने के लिए, कम करने के बाद।